एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आपका भाई आशीष आप सबके लिए 6-6 पीसी लेके आ चुका है। ये बेसिकली गेमिंग के लिए पीसी होने वाला है। क्या क्या कंपोनेंट लगाए हैं वो सारी चीजें मैं आज वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके सबके सामने। पहले आप बताइए कैसा लग रहा है, ये पूरा सेटअप मैंने बनाया हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए कैसा लग रहा है पीसी, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये पीसी कैसा लग रहा है, पूरा सेटअप कैसा लग रहा है आपको, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको भी अगर ये पीसी ऐसे बिल्ड करने हैं तो प्लीज हमें रीच आउट कीजिए हमारे दिए गए नंबर पे, और हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको व्यू कीजिए जिससे कि हमें भी हेल्प हो सके आने वाले टाइम पे। तो मिलते हैं, आइए वीडियो में क्या क्या लगाए हुए हैं वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंटेल से। देखिए भाई, मैं इतना बता दूं आपको, जो पीसी बना हुआ है बेसिकली सिर्फ गेमिंग के लिए बना हुआ है। और कस्टमर को ज़्यादा आरजीबी नहीं चाहिए। गेमिंग करना है डेफिनेटली, लेकिन आरजीबी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसमें लिक्विड कूलर डेफिनेटली उन्होंने नहीं लिया हुआ है अभी के लिए, वो स्टॉक कूलर यूज़ कर रहे हैं। इन फ्यूचर वो अपग्रेड कर लेंगे लिक्विड कूलर और एयर कूलर पे। तो अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, प्रोसेसर आप देख सकते हो ये 6 प्रोसेसर टोटल यूज़ किए हैं इंटेल की तरफ से आने वाले i5 12th generation एफ सीरीज के प्रोसेसर हैं। बहुत ही प्यारा प्रोसेसर है यार गेमिंग के लिए। अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली आप ये प्रोसेसर पर जा सकते हो। इसके साथ मैंने कस्टमर कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर भी प्रोवाइड किया है। इधर स्पेस इतना कम था कि मैंने वो आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। मॉनिटर इनको कस्टमर को दिया हुआ है एसर का 27 इंच का 165 हर्ट्ज का। और कीबोर्ड माउस मैंने लॉगिटेक का दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। 800 DPI के साथ आपको माउस मिलता है और कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड उनको दिया हुआ है। तो प्रोसेसर के मैंने आपको बता दिया उसमें प्रोसेसर कौन से लगाए हैं। उसके साथ अगर मैं मदरबोर्ड की बात करूँ, भाई वन ऑफ द टॉप रेटेड ब्रांड MSI, आप देख सकते हो यहाँ पूरे ही 6 के 6 मैंने मदरबोर्ड के बॉक्स रखे हुए हैं जो कि मैंने इनबिल्ड कर चुका हूँ अभी इसके पीसी के अंदर। ये B660 सीरीज के हैं भाई, ये क्योंकि गेमिंग के लिए था। मैं H610 भी यूज़ कर सकता था, लेकिन कस्टमर को अगर फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा आई या कुछ स्पेसिफिकेशन चेंज करना हुआ तो वो मदरबोर्ड केपेबल होना चाहिए, इसलिए मैंने ये मदरबोर्ड उनको दिया हुआ है। अच्छा केपेबल है, आपको 9 से 9.5 हज़ार रुपये के अंदर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ये विदाउट वाईफाई मदरबोर्ड है क्योंकि उनके पास लैंड केबल ऑलरेडी लगा के रखी हुई है पूरे गेमिंग सेटअप के लिए। विदाउट वाईफाई मदरबोर्ड है, इसमें 2 RAM स्लॉट आती है 16 GB तक अभी हम लोगों ने डाली हुई है, लेकिन फ्यूचर में कस्टमर 32 GB अपग्रेड कर सकता है। उसके बाद अगर बात करूँ रैम की, इसमें रैम भाई इस बार मैंने जो यूज़ की है भाई, मैं बता दूँ अभी तक मैंने टीम ग्रुप की एक भी बार यूज़ नहीं की थी, लेकिन इस बार मैंने टीम ग्रुप की रैम यूज़ की है। इसमें 8x2 16 GB की रैम यूज़ की है, 3200 MHz टीम ग्रुप, ये देख सकते हो ये RGB नहीं है। ओके, बहुत ही प्यारी विद हीट सिंक के साथ आएगी, रेड कलर में रैम है ये। 3200 MHz मिलेगी DDR4। उसके साथ अगर बात करें SSD की, SSD कस्टमर को ज़्यादा चाहिए थी, हार्ड ड्राइव चाहिए नहीं थी। मैंने भी यार, मेरा भी गेमिंग कैफ़े आप सभी जानते हो, तो गेमिंग कैफ़े 1 TB मैंने SSD डाल के रखी हुई थी, लेकिन अब 6 से 7 गेम जब आप डालते हो ना तो वो 1 TB भी कम हो जाती है। तो कस्टमर को मैंने 2 TB सजेस्ट की हुई है XPG की तरफ से। आप देख सकते हो Gen 4 की SSD है, S70 मॉडल नंबर है। ये सारी SSDs मैंने यहाँ लगा रखी हुई 6 की 6, आप ये देख सकते हो ये खाली बॉक्स सारे हैं। तो ये SSD मैं डाल चुका हूँ, इसमें Gen 4 की 7400 रिटर्न राइट स्पीड मिलने वाली है कस्टमर को। और अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करो भाई, मेरा ये फेवरेट ग्राफिक्स कार्ड अगर मैं बात करूँ, गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 3060 इसमें यूज़ किया हुआ। इसमें 2 वेरिएंट यूज़ किए हैं, एक 8 GB का और 12 GB का। तो 8 GB के 2 यूज़ किए हैं, बाकी 4 मैंने इनको 12 GB ग्राफिक्स कार्ड दिए हुए हैं। देख सकते हो इसमें ग्राफिक्स कार्ड डुअल फैन मिलने वाला है, ग्राफिक्स कार्ड ये सारे लगा के रखी हुई हैं। उसके साथ अगर मैं कैबिनेट की बात करूँ, कैबिनेट यार मैं 4000 रुपये के रेट में अगर मैं बात करूँ तो भाई ये बहुत ही प्यारा कैबिनेट है। 4 फैन मिलते हैं वो भी RGB के साथ। अब ये देख लो Revolution 01 मैंने ब्लैक थीम कस्टमर को दिया हुआ है क्योंकि उनको ब्लैक थीम चाहिए था, वाइट थोड़ा सा डस्ट वगैरह ज़्यादा लगता है इसलिए उन्होंने ब्लैक प्रेफर्ड किया हुआ है। आप देख सकते हो 3 आगे RGB फैन और एक बैक साइड पर RGB फैन मिलने वाला है। इस पर सारे ही बहुत डिसेंट लुक्स दे रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज भी मैंने चेक कर लिया, इसका टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो 35 से 38 के बीच में टेम्परेचर अभी आ रहा है, मैंने इसका चेक किया है। ओके, तो ये अभी के लिए एयर कूलर की ज़रूरत नहीं है डेफिनेटली। गेमिंग अगर करेंगे कस्टमर को, इन फ्यूचर अगर बजट थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली, क्योंकि कस्टमर ने बोला भाई बजट बहुत ही कम है, इसमें ही सारी चीज़ें उनको एडजस्ट करनी है। तो ये एयर कूलर और ये जो अपना लिक्विड कूलर है थोड़ा सा बजट के बाहर जा रहा था। हालांकि एयर कूलर आपको 700-800 रुपये मिल जाता है, लेकिन वो फिर क्वालिटी आपको अच्छी नहीं देगा। तो कस्टमर ने बोला भाई एयर कूलर 700 रुपये लगाने से अच्छा स्टॉक कूलर ही मैं यूज़ करता हूँ। ओके, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली वो लेने वाले हैं एयर कूलर।
और साथ ही साथ बात करो पावर सप्लाई की, पावर सप्लाई आप देख सकते हो मैंने कस्टमर को 550 वाट पावर सप्लाई दी हुई है, बहुत ही प्यारी पावर सप्लाई है इस पीसी के लिए, ये सफिशियंट है। कस्टमर को 750 वाट भी दे सकते थे लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इनफ है इस पीसी के लिए। इस स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 550 वाट इनफ होगी। तो आपको कैसा लगा ये पीसी यार, प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स पे, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम सबको बहुत ही हेल्प होने वाली है। वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर बताइएगा, और अगर पीसी चाहिए आपको, लैपटॉप चाहिए, सेकेंड हैंड रिफर्बिश लैपटॉप भी हम लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अगर बैंगलोर पे तो आप प्लीज़ एक बार विजिट कर लीजिएगा हमारी शॉप पे, आपको इजीली बहुत ही अच्छे रेट पे लैपटॉप की बात करूँ तो 16,000 से स्टार्ट होता है, और अगर पीसी गेमिंग पीसी की बात करूँ तो 35,000 से गेमिंग पीसी मैं स्टार्ट कर देता हूँ बनाना, अच्छी क्वालिटी भाई 20,000 रुपये के अंदर भी गेमिंग पीसी लोग बना रहे हैं, लेकिन वो गेमिंग पीसी नहीं है क्योंकि i5 सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन का वो प्रोसेसर डालते हैं, उसके बाद 4GB आपका 730 ग्राफिक्स कार्ड वगैरह डाल करके वो आपको रेडी करके दे देते हैं, फिर आपको बाद में लैग का इश्यू और बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। पहले तो प्रोसेसर आपको वारंटी पर नहीं होगा क्योंकि OEM प्रोसेसर रहते हैं वो सारे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते। अगर अच्छा गेमिंग पीसी चाहिए तो एटलीस्ट 35,000 तो आपको लगाना पड़ेगा, जिससे आपको परफॉर्मेंस भी मिले प्लस 3 ईयर की वारंटी मिले। इस सारे कॉम्पोनेंट्स में मैंने 3 ईयर की वारंटी प्रोवाइड की हुई कस्टमर को, ऑन साइट सर्विस दूंगा, मैं वीडियो पे ही बोल रहा हूँ, कस्टमर को कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ यहाँ पे, हेल्प करने के रेडी हूँ। तो एक ये 6 PC बनाए हैं, एक 8 PC का आपको वीडियो आने वाला है और एक 16 PC का वीडियो आने वाला है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एक कॉन्टिन्यूसली बड़े से बड़े वीडियो मिलने वाले हैं। एक ये 6 का बनाया हुआ है, मैं 8 का भी देने वाला हूँ आपको बहुत ही जल्दी, और 16 का भी बना, 16 का मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है, 8 का शूट करना बाकी, हालांकि पीसी मैं ऑलरेडी कस्टमर के वेयर हाउस में, कस्टमर के ऑफिस में डिलीवर कर चुका हूँ, तो ये 6 का भी अभी डिलीवरी होने जा रहा था, लेकिन मुझे लगा यार पहले एक बार शूट कर लेते, नहीं तो वीडियो पेंडिंग होती जाएगी कॉन्टिन्यूसली, राइट। सो यार अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें पिंग करके बताइए कैसा लगा आपको पीसी। चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।